जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ की नई वैकेंसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी निकाली गई है रेलवे की तरफ से निकाली गई है और यह कांस्टेबल और एसआई दोनों पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है मगर आज के इस वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेबल की भर्ती के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न या फिर इस भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें अगर वीडियो को आप लोग स्किप करते हैं तो वीडियो का को कोई मुख्य पार्ट छूट जाएगा और फिर बाद में आप लोग परेशान होंगे इससे अच्छा है कि आप लोग ये वीडियो पूरा देख लें दो से चार मिनट का वीडियो होगा मगर आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं इस भर्ती से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी के बारे में तो दोस्तों अभी रिसेंटली आरपीएफ के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है आप लोग इस नोटिस को देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक इस नोटिस को नहीं देखा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें वहां पर मैंने इस नोटिस को डाल दिया है आप लोग जाइए एक बार इस नोटिस को देखिए दोस्तों कई यूट्यूबर हैं जो लोग बता रहे हैं कि आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पूरी तरीके से गलत है अभी आरपीएफ की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें भर्ती के बारे में विवरण मांगा गया है इसके बाद दोस्तों इस भर्ती का एक टेंडर जारी होगा और टेंडर जारी होने के लगभग एक से डेढ़ महीने बाद वैकेंसी निकाल दी जाएगी तो दोस्तों अभी लगभग इस वैकेंसी को आने में डेढ़ से दो महीना आराम से लग जाएगा इसलिए दोस्तों अभी आप लोगों के पास समय है आप लोग इस भर्ती की तैयारी में अभी से लग जाइए चाहे वो रिटर्न एग्जाम हो या फिर फिजिकल एग्जाम हो आप दोनों की तैयारी में अभी से लग जाए जिससे आप लोगों के लिए एक सीट पक्की हो अब दोस्तों में आपको बता दूं ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लगभग ये से से हजार पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी इसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं इस भर्ती को जो भरने का जो मोड ऑफ अपील है वो क्या रहेगा तो दोस्तों इसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं इसमें ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था इस भर्ती को लगभग अभी डेढ़ सौ दो तो में लग जाएगा तो ये भर्ती का नोटिफिकेशन लगभग नवंबर लास्ट या दिसंबर तक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप लोग इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं बात करें फीस की तो इसमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को पाँच फीस देना है और बाकी के जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको ढाई इसमें फीस देना है अब मैं दोस्तों आपको बता दूँ उसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा तो दोस्तों इसमें एज आपकी अठारह से पच्चीस साल होनी चाहिए और आरक्षण के अनुसार इसमें ओबीसी कैंडिडेट को तीन साल और एस सी को पांच साल की छूट दी जाएगी दोस्तों यह भर्ती लास्ट 2018 में आई थी उसके बाद लगभग पांच साल हो चुके हैं अभी तक ये भर्ती नहीं आई और दोस्तों गवर्नमेंट ने बोला था कि कोरोना के बाद जो भी पहली भर्ती आएगी उसमें एज में अधिक छूट दी जाएगी तो हो सकता है अभी एज में से दो या तीन साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाए तो उसके लिए दोस्तों अभी आप लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको एक्स्ट्रा दो साल की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो उसका दोस्तों आप लोग वेट करें उसका दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो दोस्तों इसमें हाई स्कूल पास सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा जो कि सी बेस्ड होगा मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें और दोस्तों आपका जो टेस्ट होगा ये पंद्रह भाषाओं में आ गया मतलब पंद्रह क्षेत्रीय भाषाओं में आएगा जिसमें इंग्लिश मैंडेटरी रहेगी मतलब इंग्लिश तो सब सबको मिलेगी उसका दोस्तों आपको आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे कन्नड़ हो गई उड़िया हो गई हिंदी हो गई उर्दू हो गई तेलुगु हो गई तो इन भाषाओं में पेपर आएगा तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है तो आप लोग उस भाषा को पिक कर सकते हैं और आप लोग उसमें एग्जाम दे सकते हैं उसका दोस्तों आपका पीई और पी होगा और उसके बाद आपका मेडिकल और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो कैंडिडेट इन चारों फेसेस को क्लियर करेगा फाइनली वो इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा और क्या रहेगा तो दोस्तों इसमें तो आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 120 नंबर के रहेंगे उसके लिए दोस्तों आपको डेढ़ घंटे का समय मिलेगा मतलब 90 मिनट का समय दिया जाएगा इसमें आपकी वन बाई थ्री की निगेटिव मार्किंग रहेगी मतलब अगर आप तीन क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको एक नंबर माइनस हो जाएगा इसलिए दोस्तों और दोस्तों ध्यान इसमें जो आपके पासिंग मार्क रहेगी वो एस और एस कैंडिडेट को तीस नंबर इसके रिटर्न में लाना अनिवार्य है और वही जो अदर कैंडिडेट है जैसे ओबीसी हो गए जनरल हो गए या ईडब्ल्यू हो गए उनको पैंतीस नंबर रिटर्न में लाना अनिवार्य है तभी आप

तो दोस्तों इसमें मेल और फीमेल हम दोनों कैंडिडेट की बात करेंगे तो दोस्तों आपकी जो हाइट होगी तो एक सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की रहेगी और एक सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की रहेगी बात करें चेस्ट की तो चेस्ट दोस्तों अस्सी से पचासी सेंटीमीटर फुलाकर मेल कैंडिडेट का होना चाहिए और फीमेल में यह लागू नहीं होता है अब दोस्तों बात करते हैं रनिंग की तो रनिंग सोलह मीटर को आपको करनी है इसमें पाँच मिनट पैंतालीस सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा और वही दोस्तों फीमेल कैंडिडेट में 800 मीटर की रनिंग होगी जिसके लिए आपको तीन मिनट पैंतालीस सेकंड का समय दिया जाएगा और इसमें दोस्तों आपको हाई जंप लगानी है जिसमें चार फीट आ, मेल कैंडिडेट के लिए और तीन फीट फीमेल के लिए लॉन्ग जंप की बात करें तो चौदह फीट मेल के लिए और नौ फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए लगानी है तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पीडी .E और पी हो जाएगा तो दोस्तों यह थी जानकारी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती तो दो हजार तीस से संबंधित आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट करें मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा और दोस्तों आप लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इसलिए दोस्तों आप लोगों को नैतिक करता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और मेरा मनोबल बढ़ाए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी साथ तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद